शिवपुर गांव की सड़क आधे से अधिक गांव को जोड़ने वाली सड़क अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। विकास की बात की जाए तो यहां पर सब फेल हैं। केंद्र में मोदी सरकार दोबारा बन चुकी, लेकिन उनके द्वारा भी कही गई विकास की बातें यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे तालाब बने हुए हैं। इसी सड़क से लोग बाजार तहसील जाने के लिए निकलते हैं। कई बार साइकिल सवार सड़क पर बने गड्ढे में गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं। पोंटा साहिब शिवपुर गांव की सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़क पर पानी का ठहराव होने के कारण वाहनों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। बड़े वाहन तो निकल जाते हैं, लेकिन छोटे वाहन इन तालाबों में कई बार फंस चुके हैं। दोपहिया वाहन चालकों व पैदल चलने वालों की तो परेशानी और भी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यू विभाग से समस्या से निजात दिलवाने की मांग की है। बरसात होने की वजह से ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई है। कई दिन पूर्व हुई बारिश का पानी सड़क पर जमा है। इस सड़क से कई गांव के लोगों को गुजर कर जाना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि इस समस्या से अवगत नहीं करवाया होगा। कई बार यहां के विधायक सुखराम चौधरी व विभाग के अधिकारियों से इस बारे में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमेशा झूठे आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पर यहाँ की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जबकि सड़क बनाने के लिए 60 लाख से अधिक की राशि यहां के इंडस्ट्री एरिया से दी गई है ताकि सड़क की मरम्मत हो सके, लेकिन विभाग क्यों इतना लापरवाह हो रहा है? विधायक सुखराम चौधरी ने बताया कि सड़क की समस्या से उन्हें ग्रामीणों ने अवगत करवा दिया है। 60 लाख की राशि इस सड़क की मरम्मत के लिए दी गई है। इसका टेंडर लगा दिया गया है और खुद ही ठेकेदार से मिलकर सड़क की मरम्मत का कार्य करने की बात करेंगे। 2-3 पंचायतों के लोग इस समस्याओं को लंबे समय से झेल रहे हैं, लेकिन अब इसका समाधान जल्द किया जाएगा। ऊना के उपमंडल अम में कुछ दिन पहले हुई दो समुदायों के बीच लड़ाई का मामला अब सड़कों पर आ गया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने आज ऊना में इस मामले को लेकर रोष प्रदर्शन किया और पुलिस को एक मांग पत्र सौंपकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़के का पिता राजस्थान में बॉर्डर पर तैनात है। सैनिक के बेटे की माने तो एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जान से मारने की धमकी और सोशल मीडिया पर भी समुदाय को लेकर खूब गुबार निकाला जा रहा है। सैनिक के बेटे ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर पर हमला किया है, जिस कारण उन्हें अपनी जान की सुरक्षा को लेकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। सैनिक के बेटे की माने तो अगर इस मामले में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री तक जाएंगे। वहीं इस मामले में हिंदू संगठन भी उतराया है। उन्होंने भी इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने भी इस मामले में उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पुलिस की माने तो दो समुदायों के बीच लड़ाई का मामले को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला और उन्होंने इस पर उचित कार्रवाई किए जाने की बात की है। रिटायर्ड डीजीपी बीएस नेगी और डीपीएस स्कूल सोलन के एमडी टिकम सिंह पवर पुर्तगाल में 12 से 17 अगस्त को होने जा रही सीनियर लॉन टेनिस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जानकारी दोनों खिलाड़ियों ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि वे इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और रोजाना करीब 12 किलोमीटर दौड़ते हैं और 2 घंटे लॉन टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं। रहा था थोड़ी देर पहले, तो इस मुकाम को पाने के लिए समय, प्रयास और ट्रैवलिंग बहुत सारा करना पड़ा। तो
मैं बहुत ही अपबीट हूँ कि भी सारे जितने की जितने 12 खिलाड़ी जा रहे हैं विभिन्न तीनों जो आयु वर्ग में, वो एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड हैं और हमारा परफॉर्मेंस पिछले साल से भी बेहतर होगा। आपको बता दें कि टिकम सिंह पवर रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और अब तक वह लॉन टेनिस में चाइना यू USA, जर्मनी, थाईलैंड, टर्की, अफ्रीका देशों में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। यही वजह है कि वे आज 50 प्लस में भारत की टीम के कैप्टन हैं। वहीं रिटायर्ड DGP BS नेगी 60 प्लस में अपनी प्रतिभा में सभी को हैरान कर देते हैं। यही वजह है कि हिमाचल के दोनों खिलाड़ी आज विश्व प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। पवर और नेगी ने बताया कि भारत का अच्छा प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हो, वह इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम विदेश में बेहद अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारत का परचम लहराएगी।